हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप भी यूट्यूब क्रिएटर हैं, आप भी न्यू यूट्यूब चैनल बनाए हैं, आपने वीडियो डाल डाल के थक चुके हैं और अपने वीडियो में टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख के देख लिए हैं तो भी आपके वीडियो का व्यूज़ वॉच टाइम नहीं आ रहा है। तो आप लोग को वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा जैसे आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए और आपके 1000 सब्सक्राइबर का एक कैटेगरी कैसे कंप्लीट करके अपने वॉच जो है अपने मोनिटाइजेशन को एनेबल कैसे कराना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। तो मैं आप लोग को कुछ ऐसे ऐसे टिप्स इस वीडियो में दूंगा, आपका चैनल जो है काफ़ी तेज़ी से बूस्टअप होगा, आपका चैनल काफी तेजी से रनिंग हो जाएगा और आपके चैनल में व्यूज और जो है सब्सक्राइबर काफी तेजी से बढ़ने लगेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बताने के बारे में बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम दीपक है और मैं कोलकाता से हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का मोबाइल अनलॉकिंग कंटेंट और साथ में यूट्यूब रिलेटेड टिप्स और जो है अनबॉक्सिंग वीडियो लाते रहता हूँ। मेरा एक और चैनल है सेकंड लक, तो आप लोग प्लीज उस चैनल पर भी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, तो आप लोग कैसे अपना 1000 सब्सक्राइबर 1000 घंटे वॉच टाइम कैसे पूरा करना है। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट टिप्स है, जो आप लोग यूट्यूब पे बड़े यूट्यूबर की कैटेगरी देख के आप लोग उसके चैनल जैसा सोचते हैं कि हम भी ऐसा चैनल बनाएंगे, मेरा चैनल चल जाएगा, आपका भी चैनल चलेगा, लेकिन उसमें आपको शुरू में कुछ काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी बड़े यूट्यूबर ने भी एक समय पर काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत किया होगा तो उसका चैनल जो है आज इस मुकाम पे है, उसके इतने सारे सब्सक्राइबर है, क्योंकि वो कुछ भी वीडियो डालेगा, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ भी वीडियो डालता है तो उस चैनल उसके जो है व्यूज़ आने लगते हैं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर रहते हैं। और आपका नया चैनल रहता है तो उतना सब्सक्राइबर भी नहीं रहते, लेकिन आपके सब्सक्राइबर नहीं है तो आपके वीडियो पे व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो इस वजह से जो है आपका जो है व्यूज़ नहीं आता और आप लोग जिस कैटेगरी पे ऑलरेडी वीडियो बनी रहती है उसी कैटेगरी को आप वीडियो बनाते रहते आप लोग डालते डालते थक जाते हैं, लेकिन आपके वीडियो और टाइटल थंबनेल सब ठीक है लेकिन आपके वीडियो व्यूज़ नहीं आ रहा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि आप लोग अपना जो है यूट्यूब का वीडियो बनाइए, लेकिन आप सर्चेबल कंटेंट पे वीडियो जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे। तो आप लोग जब तक सर्चेबल कंटेंट पे वीडियो जैसे ही बनाइएगा, आप लोग अपलोड करिएगा, देखिएगा उसमें टाइटल थंबनेल इतना भी अच्छा भी नहीं दीजिएगा तो भी आपके जो है वीडियो से अच्छा जो है व्यूज आएगा और अच्छा जो है वॉच टाइम भी आएगा। आपके वीडियो में क्वालिटी और कंटेंट होना चाहिए, आपका जो बताने का लहजा होना चाहिए काफी अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। और कुछ भी टॉपिक आपको जो सर्चेबल कंटेंट उठाना है कहाँ से लेना है, तो आप पहले जो देखिए यूट्यूब पे जिस टाइप की वीडियो बहुत कम है, जिस टाइप पे वीडियो है भी नहीं, उस टाइप की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करिए। शुरू में आप जो आगे कैटेगरी करना होगा कर लीजिएगा चेंज, लेकिन आपको 10 से 12 वीडियो ऐसी डालनी है जो आपको वीडियो सर्च में आए और यूट्यूब जो है उस पर वीडियो नहीं हो, आपकी वीडियो फर्स्ट में आए और उसे रैंक मिले ताकि आपका जो है चैनल पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर रहे। इस टिप्स को आप फॉलो करिएगा तभी आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कर पाएगा फ्रेंड्स। तो ये जो है सर्चेबल कंटेंट के लिए आप यूट्यूब पे जो है न्यू किसी चीज़ पे जी गैजेट पे रिव्यू न्यू टॉपिक पे वीडियो आ रहा है जी डॉक्टरी लाइन या किसी भी लाइन, तो सर्चेबल कंटेंट आपको खोजने के लिए आपको गूगल में जाना पड़ेगा या यूट्यूब पे देख लीजिए जिस टॉपिक पे वीडियो कम है तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया। गूगल ट्रेंड में जाके आप लोग सर्चेबल जो कुछ भी आता है जिस टॉपिक पे वीडियो नहीं है, आप लोग किसी भी फील्ड की वीडियो बना सकते हैं। शुरू में आपको 10-12 वीडियो ऐसी बना देनी है जिससे आपको सब्सक्राइबर गेन हो। तो इस तरह से आप लोग जो करेंगे तो आपका वीडियो रैंक होगा, आपका वीडियो सर्च में आएगा, उस टॉपिक पे वीडियो रहेगी ही नहीं, आपका वीडियो फर्स्ट में आएगा। तो इस वजह से आपका जो है चैनल को बूस्टअप मिलेगा, आपका चैनल काफ़ी तेज़ी से रनिंग कर जाएगा। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करिएगा। आप लोग सर्चेबल कॉन्टेंट पर बनाइए, जिस टॉपिक पर यूट्यूब पर वीडियो नहीं है उस टॉपिक पर बनाइए, ना कि दूसरों के देख के वीडियो उसने इस टॉपिक पर बताया मैंने भी इस टॉपिक पर बता देना है, तो लेकिन उसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है तो ही उसका व्यूज़ आ रहा है, नहीं तो उसका भी जो अब नया चैनल रहता तो नहीं आता। तो इस वजह से आप लोग को जो नए चैनल और नया यूट्यूबर बन रहे हैं उन्हें अपना जो है सर्चेबल कंटेंट पे वीडियो शुरू में अपलोड करना पड़ेगा, चाहे वो किस भी कैटेगरी का हो। तो इस टिप को फॉलो करके अपने चैनल पे आप लोग ग्रो कर सकते हैं। सेकंड नंबर टिप्स की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर जो हमारा टिप्स है, आप लोग जो वीडियो अपलोड किए हैं, जो वीडियो आपका रैंक कर रहा है, जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, जो है आपको देख लीजिए यूट्यूब एनालिटिक्स में जाके जिस वीडियो में 48 घंटे में ज़्यादा व्यू आ रहे हैं उस वीडियो पे आप लोग जो है एंड स्क्रीन लगाने न भूले, क्योंकि आप लोग का जो वीडियो ओल्ड वीडियो जो आपने नया अपलोड किया वो नहीं चल रहा है, लेकिन आप एंड स्क्रीन में जैसे उस वीडियो का लिंक देंगे आपका जो वीडियो जो वायरल हो रहा है उस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आपका जो नई वीडियो चल रहा था आप एंड स्क्रीन में उस वीडियो को दे देंगे, लोग जैसे ही आपका वो एंड वाला वीडियो ख़त्म होगा आपका जो वायरल हुआ है वीडियो तो आपके जो 4-5 वीडियो जो नहीं चल रहे थे उसे एंड स्क्रीन में लगा देंगे। एंड स्क्रीन कैसे लगाना है इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग एंड स्क्रीन में जो है वीडियो लगा देंगे तो आपका जो है उस भी वीडियो पे आपको व्यूज़ आने का चांस रहेगा। और अपने जो है वीडियो को शुरू में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को, आप लोग को जो है फेसबुक ये सब पे शुरू में कर सकते हैं, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने वीडियो को दूसरों को मोबाइल से फुल वॉच टाइम दीजिए फ्रेंड्स,
तो इस तरह से आपको जो है काफ़ी अच्छा वॉच टाइम ऑडियो रिटेंशन मिलेगा, तो आपका जो है वीडियो यूट्यूब को लगेगा कि हाँ ये वीडियो बहुत सही है और ये वीडियो काफ़ी चल रही है। तो शुरू में सर्चेबल कंटेंट पे भी वीडियो बनाइए और साथ में ये सब टिप्स को भी फॉलो करिए और जो है आपके जो है सब्सक्राइबर भी जल्दी से पूरे होंगे और आपका जो है वॉच टाइम भी इंक्रीज होने लगेगा। तो जैसे वॉच टाइम और ये सब पूरा होगा और आपका सर्चेबल कॉन्टेंट तो आपका सर्च में आ ही रहा है और आपको जो है एंड स्क्रीन तो लगाना ही है। जो स्क्रीन लगाने के लिए आपको क्रिएटर स्टूडियो में चले जाना है, वहाँ पे एंड स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, मैं इस पर वीडियो ला दूंगा। वहाँ से एंड स्क्रीन जैसे ही देंगे आपका वीडियो एंड होने के बाद आप वीडियो आ जाएगी, लोग उस पर भी क्लिक करेंगे और उस वीडियो को भी वॉच करेंगे और इस तरह से आपका जो है काफ़ी अच्छे से वो भी वीडियो चलने लगेगा। कुछ जो है न्यूज पाए हैं या कुछ भी पाए हैं तो उस पर टॉपिक पर वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर दीजिए ताकि आपका जो है वीडियो रैंक करे और सर्च में जल्दी से ऊपर आए। तो इस तरह से आप लोग काफ़ी तेज़ी से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। आप लोग सर्चेबल कंटेंट में शुरू भी वीडियो बनाइए ताकि आपका चैनल काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में यहीं पेंड करेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।